एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्रालय का विस्तार यहां पर हो चुका है। शिवराज सरकार मंत्री परिषद का विस्तार यहां पर हो चुका है और इस मंत्री परिषद में अगर बात करें तो हर कोटे से एक एक मंत्री यहां पर बनाए गए हैं। सिंधिया खेमे की बात करेंगे या अन्य जो बीजेपी यहां पर विधायक है काफी समय से जीतते आ रहे हैं, उनको यहां पर किन किन को मंत्री बनाया गया, तो इस मंत्री परिषद में छोटा यहां पर परिषद है लेकिन किसे यहां पर कौन सा मंत्रालय मिला है बात करेंगे। यहां पर शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और सबसे पहले यहां पर नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली। शिवराज सरकार में पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले प्रयास थे कि नरोत्तम मिश्रा यहां पर मुख्यमंत्री पद यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन शिवराज सरकार एक बार फिर से चौथी बार वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और उनके साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से वो यहाँ पर मंत्री पद उन्होंने संभाल लिया है। तो दतिया से विधायक चुने गए थे और काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, 6 बार विधायक एमपी में वो रह चुके हैं। तो लेकिन बता दें कि इससे अलावा यहाँ पर सिंधिया खेमे से जो है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो खेमा है और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस खेमे से तुलसी सिलावट जिन्हें उप मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर बात चल रही है, ऐसी यहाँ पर सुर्खियां हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सके, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पर राज्य मंत्रिमंडल में यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इंदौर के सावेर से चौथी बार वो विधायक हैं और इससे पहले भी अगर बात करें तो वो यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसे वर्ग से आते हैं। और इस मंत्रिमंडल की सबसे खास बात ये रही है कि इसमें केवल 5 ही मंत्री को यहाँ पर शपथ दिलाई गई है और इन 5ों की अगर बात करें तो एक यहाँ पर ब्राह्मण, तो एक ठाकुर, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी 5ों वर्ग को यहाँ पर संतुलित तरीके से शपथ दिलाई गई है। इसमें अगर बात करें तो हरदास से विधायक चुने गए हैं यहाँ पर कमल पटेल जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और यहाँ पर बात करें तो 5 बार विधायक एमपी में बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, इस कारण से उन्हें यहाँ पर मंत्री पद यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वो शिवराज सरकार में काफी बड़े यहाँ पर पद के दावेदार माने जा रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत जो कि सागर सुर्खी के विधायक हैं और 3 बार के विधायक हैं जो कि यहाँ पर सिंधिया खेमे से आते हैं, उन्हें यहाँ पर मंत्री पद यहाँ पर दिया गया है, ज्योतिराज सिंधिया खेमे से हैं। इसके अलावा कमलनाथ सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें उमरिया जिले के मानपुर से विधायक यहाँ पर मीना सिंह शिवराज सरकार में एक बार फिर से मंत्री बनाएंगे जो कि बीजेपी खेमे से हैं और 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं और शिवराज कैबिनेट मंत्री में उन्हें जगह यहाँ पर मिल चुकी है। तो 5 बार यहाँ पर शपथ ले चुके हैं और यहाँ पर कहना होगा कि इस बार मंत्रिमंडल जो है छोटा रहा है, लेकिन आने वाले समय में और किन्हीं किन्हीं को यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है इस पर तो आने वाले समय में ही जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि 5 यहाँ पर मंत्री इन्होंने शपथ ली, जिस कारण से जो संकट है मध्य प्रदेश के अंदर उससे कहीं ना कहीं अब निजात पाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर थी। आपको क्या लगता है आने वाले समय में किन किन को यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज शेयर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।